हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मोजीदरा आपको स्कॉच के बारे में बताऊंगा। आप में से बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो e5 खेलते हैं e4 अगेंस्ट, e4 e5। अब e5 के बाद नॉर्मली नाइट f3 nc6 और जो भी रुई लोपेज वेरिएशन है, बिशप ओपनिंग है, उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन मैं आज आपको स्कॉच अगेंस्ट कैसे खेला जाता है वो बताऊंगा। वाइट प्लेयर स्कॉच गैम्बिट में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो शुरुआत में आपको खास ध्यान रखना है स्टार्टिंग मूव्स। मैं स्कॉच के जैसे कि एक सीरीज बना रहा हूँ, तो 1x1 सभी वेरिएशन आपको मिल जाएंगे अगेंस्ट स्कॉच। तो चलिए शुरू करते हैं e4 e5, नाइट f3, नाइट c6। यहां मेन लाइन है किंग्स पॉन ओपनिंग, तो e4 e5 f3 c6। देन व्हाइट कैन प्ले बिशप टू b5 एज ए रुई लोपेज वेरिएशन स्पेनिश गैम्बिट, बिशप टू c4, नाइट c3 वगैरह, फोर नाइट गैम्बिट। लेकिन यहां पे एक जबरदस्त ओपनिंग है व्हाइट की ओर से d4 स्कॉच गैम्बिट। अब इसके अगेंस्ट अगर आपको स्टार्टिंग के मूव्स नहीं पता है तो आप तुरंत ही फंस जाओगे दोस्तों। स्कॉच गैम्बिट में ब्लैक प्लेयर को अगर परफेक्ट खेलना नहीं आता है तो वो ओपनिंग में ही फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। यहां आप मूव लिख लीजिए, पहले तो पॉन को कैप्चर करना कंपलसरी है वरना आपकी गेम और भी प्रेशर में आ जाएगी। तो e takes d4। अब यहां अलग अलग वेरिएशन है स्कॉच में, नाइट टेक्स डी फोर और बिशप टू c4, ये दो मेन लाइन है। चलिए पहले देखते हैं नाइट टेक्स डी फोर। नाइट डी फोर में सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिशप c5। यहां पे नाइट पे दो अटैक है, नाइट टेक्स नाइट में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, पॉन से मार लोगे बी पॉन से और कंप्लीटली आपका सेंटर भी हो जाएगा। तो व्हाइट के लिए परफेक्ट रिप्लाई है बिशप e3 डेवलप विथ सपोर्ट। यहां मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ऑप्शन क्वीन f6, ये सरप्राइज मूव है। यहां व्हाइट की ओर से c3 रिप्लाई होगा क्योंकि इस नाइट के ऊपर बिशप नाइट और क्वीन तीन अटैक है और दो ही सपोर्ट थे, तो c3 इज ए कंपल्सरी मूव। nge7 दोस्तों, c3 के बजाय व्हाइट क्या खेल सकता है, लाइक नाइट टू b5 देन नाइट c7 की थ्रेट, तो वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे nge7, c3 में आपको nge7 खेलना है, उसके बाद यहां व्हाइट के लिए बेस्ट रिप्लाई है बिशप टू c4 देन यू कैन डू कैसल। तो ये परफेक्ट पोजीशन है ब्लैक के लिए और मैं नहीं देख सकता कि यहां पे व्हाइट ब्लैक को कोई भी परेशानी हो। चलिए यहां पे नाइट b5, इसमें आप क्या रिप्लाई दोगे? नाइट b5 में आपको करना है बिशप टेक्स e3, चेकमेट की थ्रेट है और ऑब्वियस मूव है f takes e3, क्योंकि नाइट c7 अगर चेक देता है तो सिंपल किंग d8 और यहां पे किंग टेक्स c7 होगा क्योंकि यहां भी उसे मेट बचाने की जरूरत है। तो f cross e3 इज ए फोर्स मूव और यहां आपको देना है क्वीन टू h4 चेक, g3 ये नेचुरल मूव है यहां पे किंग को बचाने के लिए, क्वीन e4, नाइट टू c7 देन किंग d8, नाइट टू a8, क्वीन टू h1। अब यहां से शुरू होता है नाइट को बचाने का प्लान व्हाइट की ओर से। दोस्तों ये खास ध्यान रखिए कि ये पोजीशन में कंप्लीटली ब्लैक इज विनिंग, यहां पे विनिंग पोजीशन में है ब्लैक। तो व्हाइट क्या क्या कर सकता है अपने नाइट को सेव करने के लिए, फिर से देख लेते हैं यहां तक हम लोग।
क्योंकि ये स्टार्टिंग मूव्स है, ये आपको याद रहना जरूरी है। e4 e5 पॉन टेक्स बिशप c5 क्वीन f6 देन c3 c3 नहीं, c3 में हमने देख लिया ng7 पर, यहाँ पे नाइट b5 बिशप e3 देन नाइट, उसके बाद क्वीन चेक और अगेन क्वीन टेक्स e4 नाइट c7 और नाइट टेक्स a8 क्वीन टेक्स 8। अब आप देख सकते हो कि 6 पॉन वर्सेस 6 पॉन है और दोनों का एक्सचेंज डाउन हो चुका है, मतलब एक एक रुक चला गया है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है वाइट को, सबसे बड़ी परेशानी इस नाइट को बाहर कैसे निकाले, और मैं जो मूव्स आपको वाइट ब्लैक की ओर से बताऊंगा वहाँ पे परफेक्टली वाइट का नाइट ट्रैप हो रहा है और ये लाइन आपको खेलने में बहुत मजा आएगा। आपको कोई परेशानी नहीं है कि अगर आपकी जो कैसलिंग है वो ब्रेक हो चुकी है, लेकिन कंपेंसेशन में आपको कम्प्लीटली पूरा नाइट फ्री में मिल रहा है। कैसे मिलेगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ 10 मूव हो चुके हैं दोस्तों क्वीन h1 के बाद। अब 11th मूव में मैं आपको कुछ मूव वाइट के बताऊंगा कि वाइट क्या खेल सकता है। एक तो नाइट टू c3, दूसरा मूव जो है क्वीन d6 चेक देके या फिर नाइट को तुरंत बाहर निकाल सकता है नाइट c7 से, और जो थर्ड मूव है क्वीन g4, ये तीसरा ऑप्शन है, काउंटर अटैक ऑन g7। फोर्थ मूव एक है सिंपल सा क्वीन टू d2। तो चारों वेरिएशन में अभी बता दूंगा ताकि पूरी कंप्लीटली आपकी स्क्वाश गैम्बिट रेडी हो जाए। यहां देखते हैं क्वीन h1 के बाद नाइट c3, ये जो पहला वेरिएशन है नाइट c3 में आपको रिप्लाई देना है नाइट f6, ये दोनों स्क्वायर कंट्रोल करने हैं। क्वीन d6 व्हाइट खेलेगा क्वीन d6 और यहां सबसे बेस्ट रिप्लाई क्वीन f3, क्वीन f3 के बाद क्वीन टू e3 चेक की थ्रेट है, पॉन भी मिल रहा है, तो ब्लैक को थोड़ा चेक का सामना करेगा। तो क्वीन c7 और यहां पे आपको किंग e7 खेलना है। किंग e7 के बाद व्हाइट खेलेगा किंग d2। अब यहां भी दो मूव है दोस्तों व्हाइट के पास, एक तो है क्वीन f4 और दूसरा जो मैंने बताया किंग d2। फिर से देख लेते हैं यहां तक ताकि आपके मूव मिस ना हो। नाइट c3 देन नाइट f6 क्वीन c3 देन क्वीन टू f3 और यहां दो ऑप्शन है क्वीन c7 चेक, यहां किंग e7 बेस्ट ऑप्शन। अब यहां से देखते हैं किंग d2 पहला वेरिएशन। किंग d2 में आपको रिप्लाई देना है नाइट d5। अब यहां से नाइट के ऊपर फॉर्क है और क्वीन पे भी अटैक है, तो आई थिंक दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन नाइट टेक्स d5। अब यहां आप चेक दोगे क्वीन टेक्स d5, किंग e1 फोर्स अगेन और उसके बाद क्वीन टू c5 और ये पोजीशन काफी बढ़िया है ब्लैक के लिए। जैसे कि यहाँ डबल थ्रेट है और ये भी है, नेक्स्ट मूव में रुक डेवलप करके किंग को मैनोवरिंग करके आप खेल सकते हो। तो कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपको व्हाइट का नाइट नहीं मिलता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप बहुत अटैक में हो, इक्वलाइज गेम है, लेकिन पोजिशनल सब ब्लैक के फेवर में है। दूसरा वेरिएशन देखते हैं यहाँ पे किंग d2 के अलावा दूसरा जो मैंने बताया क्वीन f4। ओके, क्वीन f4 में सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंपल क्वीन टेक्स f4 e टेक्स f4 और उसके बाद किंग d8। अब देख सकते हो इस नाइट को फिर से कोई परेशानी, मतलब बाहर निकलने की जगह नहीं है। यहां पे व्हाइट खेलेगा लॉन्ग कैसल। लॉन्ग कैसल में यहां आपको खेलना है सरप्राइज मूव d5, बहुत ही ब्रिलियंट मूव है d5।
आप सोचो कि कैसे ये पॉन सेक्रीफाइस हो, ये तो पॉन फ्री में जा रहा है, नाइट टेक्स डी फाइव सिंपल हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाइट टेक्स डी फाइव अगर कर लिया तो यहाँ पे बिशप टू जी फोर अटैक द रुक, बीजी फोर में रुक डी टू डिस्कवर चेक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाइट टेक्स नाइट में आप उसका रुक ले लेते हो, बाद में किंग टेक्स बिशप तो आपको नाइट मिल रहा है। तो यहां कंपल्सरी मूव क्या है व्हाइट के लिए, रुक डी टू, रुक डी टू के बाद नाइट टेक्स डी फाइव, रुक टेक्स डी फाइव और किंग सी एट। अब धीरे धीरे ये नाइट आपके हाथ में आ रहा है, धीरे धीरे स्लोली। तो दोस्तों इसमें भी नाइट ट्रैप हो रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वीन डी सिक्स वेरिएशन। पहले हमने देखा नाइट सी थ्री, लेकिन अब दूसरा जो व्हाइट क्या खेल सकता है, बेस्ट ऑप्शन क्वीन डी सिक्स डायरेक्टली ऑन अटैक सी सेवन। दोस्तों कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है इसमें, ब्लैक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसका क्वीन आपके किंग की नजदीक आ जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है इसमें। सिंपल आपको खेलना है यहाँ पे नाइट एफ सिक्स, व्हाइट खेलेगा नाइट डी टू ताकि आपकी क्वीन एफ थ्री आके ये थ्रेट ना दे। नाइट डी टू में आपको खेलना है नाइट ई एट, क्वीन एफ फोर, क्वीन एफ फोर एफ सेवन पे टारगेट। यहां आपको खेलना है क्वीन एच टू, लॉन्ग कैसल और यहां क्वीन टू ए सिक्स। व्हाइट नहीं एक्सचेंज करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो एक पॉन डाउन है और नाइट भी फंसा हुआ है, तो व्हाइट क्वीन टू एफ सेवन आपका पॉन लेगा और यहां काउंटर में आप क्वीन ई थ्री और उसके नाइट को पिन भी कर रहे हो। किंग बी वन एक वेटिंग मूव जरूरी है और इसके सामने क्वीन जी थ्री और कंप्लीटली आप पॉन अप में गेम खेल रहे हो। नाइट ई फोर और यहां पे आपको डबल अटैक करना है क्वीन जी फोर। अब ये ऑप्शन सिर्फ नाइट सी थ्री वापस जाके ही बच सकता है डबल अटैक के रूप और नाइट पे, तो नाइट सी थ्री इज अ फोर्स मूव और इसके बाद ई सिक्स। अब ये कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में गेम है। यहाँ पे सभी पीसेस आपके दो नाइट रूक डेवलप है और सिंपल यहाँ पे आपके हाथ में कनेक्टेड पास पॉन है। अब दोस्तों तीसरा वेरिएशन देखते हैं, इलेवेंथ मूव में व्हाइट क्वीन जी फोर, जी सेवन को टारगेट बनाया है। यहां कोई परेशानी नहीं है, सिंपल एन जी ई सेवन कर दो, क्वीन टेक्स जी सेवन, रुक जी एट, क्वीन एच सेवन। अब आपको लगता होगा इतने सारे पॉन जा रहे हैं, लेकिन कंपेंसेशन में क्या है, यहां आपको खेलना है क्वीन जी वन और इस पॉन को टारगेट बनाना है। अटैक में बहुत जबरदस्त हो आप, व्हाइट खेलेगा क्वीन टू एच सिक्स इस पॉन को सपोर्ट, यहां आपको रिप्लाई देना है नाइट एफ फाइव और कंप्लीटली फोर्क के साथ ये पॉन आपको मिल रहा है। तो नाइट एफ फाइव के बाद ब्लैक व्हाइट रिप्लाई देगा क्वीन एफ सिक्स चेक, एन सी ई सेवन, सी वाला नाइट इंटरपोज कर दो। अब ये नाइट टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स एच टू, बहुत सारे थ्रेट्स है आपके पास। ई फोर यहां व्हाइट रिप्लाई देगा ई फोर, बट आफ्टर क्वीन ई थ्री बिशप ई टू और यहां पे पॉन नहीं लेना है, एक और सरप्राइज मूव है नाइट डी फोर, चेकमेट की थ्रेट। फोर्स मूव है नाइट सी थ्री और यहां नाइट सी टू और कंप्लीटली ब्लैक विनिंग नाइट टेक्स ए वन, क्लियर। चलिए लास्ट वेरिएशन देखते हैं क्वीन डी टू। क्वीन डी टू में क्या करना है ये ध्यान रखो, यहां से मूव नंबर इलेवन क्वीन डी टू,
इफ व्हाइट प्लेस क्वीन डी टू सपोर्ट करता है एच टू को तो सिंपल नाइट एफ सिक्स डेवलप करना है। व्हाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, रुक टू ई एट और डायरेक्ट प्रेशर ऑन ई थ्री। व्हाइट लॉन्ग कैसल, क्वीन एफ थ्री, अब फिर से ई थ्री पे प्रेशर, आर ई वन। यहां पे दो ऑप्शन है, व्हाइट या तो रुक से सपोर्ट कर सकता है और दूसरा जो ऑप्शन है पॉन को सिंपल ई फोर करके खेल सकता है। तो पहले देखते हैं आर ई वन, आर ई वन में आपको रिप्लाई देना है नाइट ई फोर, फॉर्क है तो नाइट टेक्स ई फोर, देन क्वीन टेक्स ई फोर, बिशप जी टू, यहां पे व्हाइट खेलेगा बिशप जी टू, अटैक वाले मूव तो सभी लोग खेलते हैं। यहां सिंपल क्वीन ई फाइव, अब इफ बिशप टेक्स सी थ्री कर दिया तो सिंपल बी टेक सी थ्री, देन बिशप बी सेवन की थ्रेट है, यहां भी आपको नाइट मिलेगा इस पोजीशन में। चलिए ई फोर ऑप्शन देखते हैं, आर ई वन के बजाय अगर व्हाइट ने इस पोजीशन में ई फोर खेला तो सिंपल नाइट टेक्स ई फोर, नाइट टेक्स ई फोर, क्वीन टेक्स ई फोर, क्वीन जी फाइव, चेक एफ सिक्स, क्वीन टेक्स जी सेवन, देन क्वीन जी सिक्स। अब ये पोजीशन में हम क्वीन कंपल्सरी एक्सचेंज फोर्स एक्सचेंज कर रहे हैं और इसके बाद अब यहां पे व्हाइट को कोई ऑप्शन भी नहीं है एक्सचेंज के अलावा, मतलब क्वीन को कोई जगह भी नहीं है, तो क्वीन टेक्स क्वीन, एच टेक्स क्वीन और ये नाइट कंप्लीटली ट्रैप्ड है। और दो तीन मूव में आप जैसे कि बी सिक्स और बिशप टू पी सेवन, जिससे कोई बचा नहीं सकता नाइट को, कोई चांस ही नहीं इसमें बचने का। तो दोस्तों ये है हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्क्वॉच गैम्बिट। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको स्क्वॉच की जो मेन एक अटैकिंग लाइन है जो बिशप सी फोर वाली लाइन, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। फिर से दिखाता हूँ जो मेन लाइन क्या है, नाइट डी फोर के बदले यहाँ पे व्हाइट अगर बिशप सी फोर करता है तब क्या करना है आपको और कैसे खेलना है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए। इसके बाद का वीडियो तुरंत आने वाला है दोस्तों, तो वन बाय वन सारी ओपनिंग अगेंस्ट खेलने को आपको मैं सिखा दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और लाइक कीजिए दोस्तों। आपकी लाइक्स आती नहीं है, वीडियो व्यूअर्स बहुत आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आती है। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे और भी मजा आएगा वीडियो बनाने में। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय गुजरात।